Assalamualaikum everyone. I hope all doing well. आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ क्रैक हील क्रीम अमेजिंग है. गारंटी के साथ दो दिन के अंदर आपकी जो हील्स हैं वो सही होना शुरू हो जाएगी, और जिनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हील हैं तो वो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं भी 5 से 6 दिन लग जाएँ, पर उनकी भी हील्स जो हैं जिसमें ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, बिल्कुल फट चुकी हैं, उसको भी ये बिल्कुल सही करेगी. क्रीम बहुत अमेजिंग है और बहुत इजी है और बहुत सस्ती है. इस क्रीम की खासियत यह है कि आप इसको गर्मियों में भी लगा सकती हैं, इसलिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सर्दियों में तो पैर फटते ही फटते हैं, एक नॉर्मल लगती है ये बात, पर गर्मियों में भी किसी किसी के पैर बहुत ज़्यादा फट रहे होते हैं, ड्राई होते हैं. बहुत सारी रीज़न होती है. वैसे तो हमारे जो पैर होते हैं नीचे के तलवे जो होते हैं उसमें कोई भी ऑयल बनाने वाला ग्लैंड नहीं होता, जिस वजह से कोई ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता वहाँ से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं. और ऊपर से हमारे घरों में जो कारपेट सिस्टम है उस वजह से भी हमारे जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं, इसलिए बग़ैर स्लीपर के हम लोग फिरते हैं कारपेट पे, और जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फिर उसके बाद फटने लगते हैं, ब्लड आने लगता है, चलने में बड़ा मसला होता है. तो आज जो क्रीम बन रही है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत सस्ती है और बहुत जल्दी बनने वाली है. तो चलें चलते हैं बनाते हैं क्रीम. अच्छा, क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कैंडल. अगर आपके पास कैंडल बड़ी है तो एक ले लें, छोटी है तो दो ले लें. उसके बाद चाहिए हमें एलोवेरा जेल, ये 1 टेबल स्पून चाहिए. उसके बाद चाहिए ये फ़िश ऑयल, मेरे पास ये फ़िश ऑयल है. अगर आपके पास फ़िश ऑयल नहीं है, कैप्सूल है तो वो भी ऐड कर सकती हैं, पर ये स्किप नहीं करना, ये ज़रूर ऐड करना है. उसके बाद चाहिए हमें अलसी का ऑयल, ये भी 1 टेबल स्पून चाहिए. फ़िश ऑयल भी 1 टेबल स्पून चाहिए, और ये वैसलीन है ये 2 टेबल स्पून चाहिए. कैंडल कट कर लेते हैं. कट करने के बाद मैंने एक फ्राई पैन में पानी भर के रख दिया है गर्म करने, ताकि जो बॉल है उसके अंदर रख दूँ और ये कैंडल और ये वैसलीन दोनों मेल्ट हो जाए. अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगी ताकि ये मेल्ट हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं. ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब इसके बाद मैं ये चीज़ें सब ऐड करूंगी. ठीक है, सबसे पहले फ़िश ऑयल 1 टेबल स्पून, ठीक है, उसके बाद ये अलसी का ऑयल है, ये भी 1 टेबल स्पून, इसके बाद एलोवेरा जेल. इसको अच्छी तरह मिक्स करना है. इतनी अच्छी क्रीम है कि आप इसको बना के पूरा साल भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी. और प्रॉपर आप रोज़ लगाइएगा, आपकी जो हील्स हैं वो इसको खाली 2 से 3 दिन में आपकी हील्स बिल्कुल सही हो जाएंगी. ये देखें, चले इसे यूज़ करके दिखाती हूँ. अच्छा जी, क्रीम रेडी हो गई है. ये मेरे पास वैसलीन की खाली बॉटल हुई थी, उसी के अंदर मैंने डाल दिया इसे. ये देखें, इसकी शक्ल देखें, ओए होए लग रही है ना, बाहर जैसे बाहर से हम क्रीमें लेके आते हैं उस तरह की, और ये काम उससे भी ज़्यादा अच्छी करती है. ये देखें, ये देखें, और मैं लगा के भी बता देती हूँ. ये देखें, इतना बिल्कुल ईजी तरीके से लग रही है. ये देखें, ये आप इसको अपने पैर धो के और फिर उसके ऊपर ये लगा लें,
और सॉक्स पहन लें, चाहे सॉक्स ना भी पहने, अच्छी तरह इसका मसाज करें। और बहुत अमेजिंग है, अगर आपके हाथ भी फट रहे हैं तो उस पर भी लगा सकती हैं। गारंटी के साथ कह रही हूँ, जो हमारी हील्स फट रही होती हैं और जो स्टार्ट हो चुकी होती हैं फटना, उसको तो ये 2 दिन के अंदर कवर कर लेगा। जिनके ज़्यादा हील्स ख़राब हैं, जैसे ब्लड निकल रहा है और बिल्कुल बिल्कुल फट गई हैं वो, तो उसको 5 से 6 दिन लगेंगे। एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट गई हैं तो इस क्रीम को उसके अंदर भरिएगा और बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है, बहुत जल्दी हील होंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।